2 घंटे के लिए प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच जाएंगे, इतना ही हो रहा है ना बस, तो उसमें ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी? प्रधानमंत्री वो व्यक्ति हैं जो 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते, 24 घंटे काम करते हैं, आज तक उनने कभी छुट्टी नहीं ली है, उसमें से 2 घंटे वो निकालेंगे और हवाई जहाज़ में भी फाइल वर्क करते हुए जाएंगे, मुझे उनका स्वभाव मालूम है, और आते हुए भी फाइल वर्क करेंगे, 2 घंटे भगवान राम के नाम पे दे देंगे। मैं मानती हूँ कि शरद पवार का ये बयान रामद्रोही है, मोदी जी के खिलाफ नहीं है, भगवान राम के खिलाफ। नेपाल के जो प्रधानमंत्री का विवादित बयान आया था उसको लेकर, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो ये सोचती हूँ इस पर किसी को कुछ कहने नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि राम नेपाल में जन्मे थे तो मैं ओली साहब को कहूंगी कि एक राम मंदिर वहाँ बना दीजिए और आप उसका शिलान्यास कर दीजिए। राम मंदिर आंदोलन में आपकी भूमिका जो रही थी उसको देखते हुए आपका उस दिन जाने का प्रोग्राम था।